हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू प्रिपरेशन फॉर ऑल आज हम कर रहे हैं इंग्लिश नाउन और नंबर का क्वेश्चन आंसर तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वन ऑफ हर फॉर्मेस्ट बिलीव वाज दैट हर फ्रेंड शाउटेड एट हर विद द व्यू टू मेकिंग हर अवेयर टू हर रिपीटेड लैप्सेस और नो एरर तो देखते हैं हम कौन सा रॉन्ग है वन ऑफ़ हर फॉर्मेस्ट बिलीव हमने हमेशा देखा है कि वन ऑफ के बाद क्या आता है नाउन क्या होता है हमेशा प्लूरल होता है हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि वन ऑफ द के बाद क्या आएगा नाउन प्लूरल होगा तो नाउन हमारा क्या है बिलीव तो वन ऑफ हर फॉर्मेस्ट बिलीव्स बिलीव की जगह क्या होगा बिलीव्स तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इन वन ऑफ द फर्स्ट कन्वर्सेशन शी इनफॉर्म मी इनफॉर्म्ड मी शी डैट शी हैड लॉस्ट हर हस्बैंड इन अ बस एक्सीडेंट नो एरर इन वन ऑफ यहाँ पे भी क्या है वन ऑफ फर्स्ट कन्वर्सेशन तो कन्वर्सेशन क्या होगा प्लूरल होगा कि क्योंकि ये हमारा नाउन है तो वन ऑफ आवर फर्स्ट कन्वर्सेशंस होगा ना कि कन्वर्सेशन तो इसमें भी ए ऑप्शन करेक्ट हो गया थर्ड क्वेश्चन देखते हैं ऑल द girl girls स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रो नो error. ऑल द ऑल लिखा है ऑल द girls स्टूडेंट तो हम देखते हैं दो अगर नाउन हो तो हम क्या करते हैं सिर्फ लास्ट वाले में हमें एस लगाना है तो ऑल द girls स्टूडेंट की जगह क्या होगा ऑल द girls स्टूडेंट तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं ए मेजोरिटी ऑफ द वुमेन टीचर आर परसिंग द प्रिंसिपलिडर देयर डिमांड नो एर तो मेजोरिटी में है प्लूरल so, हो जाएगा यहाँ पे क्या है सिंगुलर है तो डब्लू ओ एम ई एन जो प्लूरल लिखेंगे यहाँ पे प्लुरल वुमेन हो जाएगा तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो, जा, हो जाता है फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं इट इज हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ टी फाइव टाइम्स अ डे नो एरर तो क्या है इट इज़ अ हार्म फुल टू टेक कप्स वुल हमने हमेशा देखा है एफ यू एल के बाद हमेशा क्या होगा एस अलगता है मतलब ये कप्स फुल क्या हो जाएगा कप्स फुल्स हो जाएगा तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया सिक्स क्वेश्चन देखते हैं इन द लास्ट इलेक्शंस द इलेक्ट्रोरेट्स डिसइंट्रस्टेडनेस द पोलिटिशियन वेरी मच नो एरर। तो द इलेक्ट्रोरेट्स क्या है इलेक्ट्रोरेट्स एस आएगा इलेक्ट्रोरेट्स आएगा इलेक्ट्रोरेट आएगा ना कि इलेक्ट्रोरेट्स आएगा तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया द प्रेजेंट डाटा शो दैट द इलिटरेसी रेट इन इंडिया हैज़ फॉलन डाउन बट नॉट टू द लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन नो एरर द प्रेजेंट डाटाज द प्रेजेंट डाटाज नहीं होता द प्रेजेंट डाटा होता है तो इसलिए हमारा इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एट्थ क्वेश्चन देखते हैं ही सैड दैट ही ऑलवेज कैप्ट इन पॉकेट अ बडल्स बंडल्स ऑफ वन हंड्रेड रुपीज नोट्स तो रुपीज नोट्स हमेशा हमने देखा है हंड्रेड रुपी नोट होगा और हंड्रेड रुपीज़ नोट नहीं होगा तो हंड्रेड रुपी नोट तो क्या है ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नाइन्थ क्वेश्चन है रनिंग अ फाइव स्टार्स होटल नीड्स मच मोर मनी देन व्हाट वी हैव इन आवर अकाउंट नो no एरर तो रनिंग अ फाइव स्टार फाइव स्टार्स नहीं होगा फाइव स्टार होगा तो रनिंग अ फाइव स्टार होटल तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ठीक है टेंथ क्वेश्चन देखते हैं ही गेव मी टू इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेश आई हैड बीन वेटिंग फॉर फॉर द प्रीवियस टू मंथ्स नो एरर तो ही गेव मी टू इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस तो इंफॉर्मेश्स क्या है अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी इंफॉर्मेशंस नहीं होगा इंफॉर्मेशन होगा ठीक है तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इलेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं योर एडवाइस आर द प्रूव ऑफ योर डिस्क्रिमिनेशन माइंड एन प्रेगमेटिक अप्रोच नो एरर तो योर एडवाइसिज एडवाइस क्या है एडवाइसिज नहीं होगा एडवाइस होगा तो so एडवाइस क्या है अनकाउंटेबल नाउन है तो so इसलिए हम इसको क्या करेंगे योर एडवाइस आर तो एप्शन करेक्ट हो जाएगा ट्वेल्थ देखते हैं एन अर्थक्वेक इज एन नेचुरल फिनोमिन एंड नो बॉडी कैन चेक इट बी श्योर नो एरर तो क्या है ये पूरा सेंटेंस ठीक है तो हमने इसको क्या क्या नो no एरर पे टिक कर दिया है थर्टींथ क्वेश्चन देखते हैं द क्लास टीचर गेव हिम अ होमवर्क एंड इंस्ट्रक्टेड हिम टू डू इट एट नाइट तो गेव हिम अ नहीं आएगा गेव म होमवर्क होगा ना कि होमवर्क होगा कोई एक काम नहीं है तो गेव ही होमवर्क होगा तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया फोर्टीन क्वेश्चन देखते हैं आई सो ओनली फाइव पुलिस वर रनिंग आफ्टर द बैंक रोवर्स नो एरर तो आई सो ओनली फाइव पुलिस नहीं होगा पुलिस मैन होगा और मैन भी प्लूरल वाला एम ई -E एन पुलिस मैन तो इसलिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया फिफ्टींथ क्वेश्चन देखते हैं द शेफ्स ऑफ द व्हीट प्लान्टर टू हैवी फॉर मी टू कैरी ऑन द हैड नो एरर तो देश्स इज द शेफ्स इज नहीं होगा शेफ शेफ क्या है प्लूरल फॉर्म है इसलिए शेफ होगा सिक्सटींथ क्वेश्चन देखते हैं ऑल द चीफ्स मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द दिटेबल कंडीशन ऑफ देयर स्टेट्स नो एरर तो ऑल द चीफ्स मिनिस्टर हैं तो चीफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर नहीं होगा चीफ मिनिस्टर होगा ठीक है तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा सेवनटींथ क्वेश्चन देखते हैं आफ्टर ही हैड डिलीवर्ड द स्पीच ही सैड दैट ही होप्ड टू द कॉन्स्पिरेसली अंडरस्टूड एंड फॉर गिवन फॉर एनी लेपिस तो इसमें क्या है सेंटेंस बिल्कुल ठीक है तो नो no एरर लगा देंगे हम एटींथ क्वेश्चन देखते हैं ही सेज दैट टू माइल ए टू माइल्स वॉक ऑलवेज कीप्स हिम हेल्दी एंड फ्रेश नो एरर तो ए टू माइल्स कभी भी ए टू माइल्स नहीं होगा ए टू माइल होगा ठीक है तो इसलिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया नाइन्टींथ क्वेश्चन देखते हैं द हैप्स शुड नॉट लुक स्क्रोनफुली एट द है्स नॉट रैदर देन रेदर दे शुड ट्राई टू इनफ देम टू वर्क हार्ड एंड ऑन देअर लाइवलीहुड नो एरर यहाँ पे है द दैव शुड्स नॉट लुक स्क्रॉनफुली एट द है्स हैवस के बाद क्या है नॉट है तो हैव नॉट्स होगा ना कि हैव्स नोट तो क्या लिखेंगे हम हैव नॉट हैव नॉट्स रेदर दे शुड तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ट्वेंटी क्वेश्चन देखते हैं लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्ट्रेटम्स सैड अ लिंग्विस्टिक इन हिज लेक्चर ऑन लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स नो एरर तो लैंग्वेज कंजिस्ट ऑफ सेवरल स्ट्रेटमस नहीं होगा स्ट्रेटा क्या है सिंगुलर फॉर्म है स्ट्रेटमस का तो इसलिए हम स्ट्रेटा लगाएंगे ना कि स्ट्रेटमस तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ट्वेंटी वन देखते हैं ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल टू लुक एट सो द क्वेश्चन ऑफ सेलेक्शन इज वेरी पजलिंग नो एरर सिस्टर इन लॉज में हमने हमेशा देखा है कि सिस्टर्स में आएगा कंपाउंड डाउन है ये तो सिस्टर्स अगर प्लुरल बनाना है तो सिस्टर इन लॉ होगा सिस्टर्स इन लॉ इसलिए ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ट्वेंटी टू क्वेश्चन देखते हैं द ब्रेथन ऑफ ही दिस लोकेलिटी आर ऑलवेज एट डैगर्स ड्रॉन विदाउट एनी अपरेंट रीजन नो एरर द ब्रेथंस नहीं होगा द ब्रेथन होगा ठीक है इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ट्वेंटी थ्री द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग इज फिफ्टी फुट हाई एंड इट्स पेंटिंग आर वेरी स्ट्रिकिंग नो एरर तो पेंटिंग्स नहीं होगा पेंटिंग होगा ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं द हेड क्वार्टर ऑफ द आर्मी इन इज़ इन डेली इट्स रियली वेरी सरप्राइजिंग दैट यू डू नॉट नो इवन दैट फैक्ट नो एरर तो यहाँ पे क्या है हेड क्वार्टर है लेकिन आर्मी बहुत सबके लिए हो रहा है ये तो क्या है हेड क्वार्टर्स आएगा प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे और इसको हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं तो हेड क्वार्टर की जगह क्या होगा हेड क्वार्टर्स होएगा तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ट्वेंटी फिफ्थ देखते हैं इफ अ स्टूडेंट नीड एडवाइस अबाउट कैरियर कैरियर्स ही शुड कंसल्ट द कैरियर्स ऑफिसर नो एरर तो सेंटेंस ये करेक्ट है नोटिस सिक्स क्वेश्चन देखते हैं टू सुम्स हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट बट यू हैव नॉट टर्न अपट नो एर टू सुमोन्स है तो टू सुमोन्स है तो प्लूरल होगा सुमोन्स क्या है सिंगुलर फॉर्म है तो सुमोन्स आएगा यहाँ पे ई एस लग जाएगा सुमोन्ज टू सुमोन्स तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा ट्वेंटी सेवन देखते हैं ही हैज़ बॉट अ डजन ऑफ कॉपीज ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर विच इज अ वेरी पॉपुलर बुक अमंग द स्टूडेंट्स नो एरर ही हैज़ बॉट ही हैज़ बॉट अ डजन ऑफ कॉपी डन ऑफ कॉपीज नहीं होगा डजन एक डजन कॉपीज होएगा और तो हमारा क्या हो गया बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ठीक है ट्वेंटी एट क्वेश्चन देखते हैं द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट कमिंग फ्रॉम एब्रोड नो एरर द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ब्यूटीफुल सराउंडिंग है सराउंडिंग क्या है होल के लिए हम वो कर रहे हैं तो इसलिए सराउंडिंग नहीं होगा सराउंडिंग्स होगा इसलिए हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा द सेंसरीज ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ दार्जिलिंग नो एरर तो सेंसरीज सेंसरीज कभी नहीं होगा इसको सिंगुलर में लिखेंगे सेंसरी द सेंसरी होगा तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा थर्टी क्वेश्चन देखते हैं ज मीन्स आर वेरी लिमिटेड ये ही डज नॉट क्रटेल क्र्टेल हिज एक्सपेंडिचर एंड स्पेंशली नो एरर तो ये क्या है सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है तो इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं थर्टी वन क्वेश्चन क्या है हमारा ही यूजेज अ फाइन क्वालिटी ऑफ शैम्पू सो हीज चर सॉरी यर्स आर ब्लैक एंड अट्रैक्टिव तो सो हेयर्स हेयर्स क्या होता है सिंगुलर या प्लूरल दोनों एक ही में लिखते हैं हीयर्स नहीं हेयर लिखते हैं तो इसलिए हम क्या करेंगे सो हिज हेयर ठीक है तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा थर्टी टू क्वेश्चन देखते हैं वर्ड्स वर्ड्स पोएट्रीज इज करेक्टराइज बाय हिज स्टबल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्यूटी एंड लाइवलीनेस ऑफ नेचर नो एर वर्ड्स वर्ड्स पोएट्रीज पोएटरीज क्या है पोएट्रीज सिंगुलर में लिखेंगे पोएट्रीज की जगह क्या लिखेंगे पोएट्री ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा थर्टी थ्री क्वेश्चन देखते हैं द डॉक्टर डिक्लेयर डैट द पेशेंट्स इन इंस्टाइन वॉज इंटस्टाइन सॉरी द पेशेंट इंटस्टाइन वॉज नॉट वर्किंग प्रोपरली एंड सो ही नीडेड मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम तो पेरेंट्स इंटरस्टाइन इंटरस्टाइन नहीं हुआ इंटस्टाइन होगा ठीक है और इंटस्टाइन बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा हमारा थर्टी फोर क्वेश्चन देखते हैं ही हैज़ ऑर्डर्ड ब्रिक्स फॉर द परपोज होटल एंड बार नो एरर ब्रिक्स नहीं होगा यहाँ पे ब्रिक्स पीसेज पीसेज ऑफ ब्रिक होगा थर्टी फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं वैन सी हीज ऑफ स्प्रिंग्स यू कॉन्ट बिलीव दैट ही इज एब सेवेंटी नो एर ऑफ स्प्रिंग की जगह क्या आएगा ऑफ स्प्रिंग्स की जगह क्या आएगा ऑफ स्प्रिंग आएगा तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट थर्टी सिक्स क्वेश्चन देखते हैं प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड एंड विशेज टू द बॉस द सेक्रेटरी सेड टू द्यून ऑफ द मैनेजर नो एरर तो प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड रिगार्ड एंड विशेज क्या है विशेज है और एंड से जुड़ा हुआ है तो रिगार्ड भी क्या हो जाएगा प्लूरल हो जाएगा रिगार्ड की जगह क्या आ जाएगा रिगार्ड्स आ जाएगा तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा थर्टी सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं द प्रिटी वूमैन द प्रिटी वूमैन सिटिंग इन द कार इज द इज द डॉटर ऑफ द वन ऑफ दैन ऑफ द विलेज नो एर हैड मैन हैडमैन क्या होगा वन ऑफ द तो क्या आएगा द हेडमैन वन ऑफ के पहले आएगा हेडमैन क्या आएगा वन ऑफ द के पहले आएगा तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया थर्टी एट when the returned from america he informed me that he had come here to do an urgent work no error do an urgent urgent ke pehle n ka प्रयोग नहीं होगा तो इसलिए हमारा D option correct हो गया थर्टी नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं मैनी ऑफ द एम पीज अपसेंटेड दैम सेल्व्स फ्राम पार्लियामेंट वैन सम इशू ऑफ द हाइएस्ट नेशनल इंपॉर्टेंस वर टू बी डिस्कस्ड नो एरर तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है इसलिए हमने नो no एरर पे टिक किया है फोर्टी क्वेश्चन देखते हैं द इशूज आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड द प्रॉब्लम इज दैट दे आर बाउंड टू बी एब्सक्योर्ड बाय दिस हाइपोटेक्टिकल पॉलिटिशियन नो एरर तो क्या है ये सेंटेंस पूरा ठीक है नो एरर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा फोर्टी वन दिस टाइप ऑफ बुक्स आर सर्टेनली हेल्पफुल टू द स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर द बैंक सर्विस एग्जामिनेशन नो एरर दिस क्या है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है तो बुक्स है तो टाइप की टाइप की जगह क्या हो जाएगा टाइप्स दिस टाइप्स ऑफ बुक्स ठीक है तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा फोर्टी टू है दिस आर ओनली सर्टेन बॉय डैट आर सेंसोर एंड डिलइट एंड दैट कैन डू वेल इन द एग्जामिनेशन सैड द क्लास टीचर नो एर तो क्या है हमारा सॉर्ट एंड की जगह क्या आएगा बॉयज आ जाएगा सॉट एंड देयर आर है तो सर्ट एंड बॉयज ठीक है तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा फोर्टी थ्री देखते हैं आई हैव नेवर सीन सच अ लवली इन माई लाइफ सैड द पासर्स बाय नो एरर तो स्पेक्टल्स नहीं होगा स्पेक्टल होगा ठीक है तो बी, क्योंकि स्पेक्टल्स क्या है स्पेक्टल प्लूरल फॉर्म है तो हमें क्या लिखना है सिंगुलर फॉर्म और सिंगुलर इसका सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है स्पेक्टल का स्पेक्टल ही होता है ठीक है फोर्टी फोर देखते हैं आई डू माई बेस्ट बट आई didn't understand वाई आई डू नॉट गेट एक्सपेक्टेड मार्क्स इन दिस इन द एग्जामिनेशन तो इसमें क्या है हमारा ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नो no एरर कोई भी ये सेंटेंस ठीक है फोर्टी फाइव क्वेश्चन देखते हैं यू आर वन ऑफ दोज लकीस्ट मैन हु अटेंड नेम एंड फेम नॉट बाई लेबर बट बाई चांस नो एर यू आर वन ऑफ दोज लकीस्ट मैन लकीस्ट मैन क्या है वन ऑफ मतलब बहुतों में से एक तो मैन क्या है प्लूरल हो जाएगा एम ई एन हो जाएगा इसलिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फोर्टी सिक्स क्वेश्चन देखते हैं नॉट टू स्पीक ऑफ फेलियर इवन अ ट्रेजिडिटी डज नॉट अफेक्ट हिज हाई स्पिरिट्स नो एरर तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है इसलिए हम नो no एरर पे टिक करेंगे ई e ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा फोर्टी सेवन क्वेश्चन देखते हैं आउनिंग ही आउनिंग टू हिज हैवी एंगेजमेंट ही कुड नॉट राइट इवन द टू थर्ड ऑफ द बुक ऑफ विच द पब्लिकेशन वॉज एक्सपेक्टेड बिफोर जन जनवरी नो एरर आउनिंग टू हिज हैवी एंगेजमेंट ही कुड नॉट राइट इवन द टू थर्ड टू थर्ड नहीं होगा टू थर्ड्स होगा ठीक है तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फोर्टी एट क्वेश्चन देखते हैं आई नो नथिंग अबाउट हिज वेयर अबाउट डू यू ही सैड टू मी नो एर आई नो नथिंग अबाउट हिज वेयर अबाउट वेयर अबाउट की जगह वेअर अबाउट होएगा क्योंकि प्लूरल फॉर्म आएगा इसलिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा फोर्टी नाइन देखते हैं नाउ आई हैव कम टू नो वाई ही ऑलवेज रिमेन्स एट लॉगर हैड विद हिज़ वाइफ एंड मदर इन लॉ नो एरर लॉगर्स लॉगर्स नहीं आएगा लॉगर logger आएगा लॉगर हैड लॉगर हैड विद हिज़ वाइफ तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा फिफ्टी हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा चलिए देखते हैं यू विल नॉट बी अलाउड टू गो एनी वेयर एल्स टू प्ले outdoor गेम्स नो error. तो ये पूरा सेंटेंस ठीक है आई होप आज का ये वीडियो आपको यूज़फुल लगे लगा होगा थैंक यू